प्रोग्राम फिर से वैसे का वैसा बन गया है और हम लोग जा रहे हैं घूमने, लक्ष्य के पापा ले जा रहे हैं घुमाने के लिए, उनका बर्थडे है तो वो जिद कर रहे हैं। और मैंने ये ब्लैक कलर का एक कुर्ता पहना हुआ है, लेकिन अब ये था हो जाएगा क्योंकि उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है, बोल रहे हैं मेरा बर्थडे है तो मेरी पसंद से कपड़े पहनो। तो चलो मैं भी कह रही हूँ कि चलो ठीक है, तो मैं चेंज करके आती हूँ, तैयार तो मैं हो गई हूँ और बस अब कुर्ता बदल के आती हूँ, उन्हें नहीं पसंद आ रहा है ये। आप बताओ, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा? मुझे तो अच्छा लग रहा था, मैंने क्या किया था कि जीन्स पहन लिया था और ये ऐसा एक कुर्ता पहन लिया था और जूते पहन लेते, लेकिन वो कह रहे हैं कि रेनी डे है और सब जगह ग्रीन ग्रीन हो रहा है तो तुम भी थोड़ा कुछ ग्रीन ग्रीन पहनो, मुझे पसंद है। और लास्ट टाइम मैंने जब वो ग्रीन कलर का कुर्ता पहना था तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगा था, तो अब कह रहे हैं अब मेरे सामने पहनो, तुमने मायके में पहन लिया अब मेरे सामने पहन के दिखाओ, तो मैं अब उनकी पसंद का पहनती हूँ, फिर आप बताना कि ये ज्यादा अच्छा था कि वो ज्यादा अच्छा था। ठीक है दोस्तों, गाइज ये मैंने ग्रीन कलर का कुर्ता पहन लिया है अपने हस्बैंड के पसंद का, लेकिन आज पता नहीं क्या हो रहा है, पहले बारिश हुई फिर बंद हो गई, उसके बाद फिर हम लोग तैयार हो गए, अब फिर बारिश होने लगी, आप देख रहे होंगे रिमझिम रिमझिम हल्की हल्की, अब क्या किया जाए, इतने दुविधा में है, जाएं कि नहीं जाएं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10-15 मिनट और वेट करते हैं, पानी अगर बंद हो जाएगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर घर में ही बर्थडे मना लेंगे, घर में ही सब कुछ कर लेंगे। देखो इनको कितनी हंसी आ रही है, पहले तैयार कर लिया हमको, देखो कितनी हंसी आ रही है, हमारी हंसी उड़ा रहे दोनों के दोनों बाप बेटे। तैयार हो जाओ, चलो घूमने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं। और अब देखो क्या कर रहे हैं, अब देखो क्या होता है, लक्ष्य भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, पानी बंद करवाओ दोस्तों तभी निकले हम। गाइस भीगते भागते दौड़ते भागते हम लोग रेस्टोरेंट में आ ही चुके हैं, फाइनली तैयार हो गए तो निकल आए, और ये रहे हमारे बर्थडे बॉय, हाय तो बोल दो, हाय हाय गाइस। चलिए दोस्तों, आप लोग मेरे हस्बैंड को हैप्पी बर्थडे जरूर बोलना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और बर्थडे बॉय कैसे लग रहा है ये भी बताना, और बर्थडे बॉय ने हमें अपना फेवरेट और अपने फेवरेट कलर का सूट पहना के लेके आए हैं। पहले तो प्रोग्राम जो है कैंसिल ही हो रहा था, लेकिन जबरदस्ती अब आ ही गए हैं हम लोग, और ये बर्थडे बॉय के बेटे राजा बैठे हैं, हाय तो बोल दो, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए ठीक है, आप कुछ खाते पीते हैं, हम लोगों ने मंचूरियन जो है वो ऑर्डर करा है, इसके बाद भी देखते हैं क्या खाएंगे, मंचूरियन खाते हैं पहले। गाइज हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं और वहाँ पर ड्राई मंचूरियन ऑर्डर किया है जो कि मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, तो वो अपने फेवरेट चीज़ हम लोगों को खिला रहे हैं, और मेरी फेवरेट ये नूडल, मुझे बहुत दिनों से खाने का मन हो रहा था तो हम लोगों ने नूडल भी ऑर्डर करे हैं, मंचूरियन भी ट्राई करा है, टेस्ट करा है, तो वो भी बहुत अच्छा था, और हम तीनों मिलके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हस्बैंड का बर्थडे, और बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि बारिश ने थोड़ा सा काम ख़राब करा, लेकिन मेरे लिए तो बारिश बहुत ही अच्छी है, मेरे हिसाब से तो मेरे व्यूअर्स जो हैं समझ ही गए होंगे क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, खूब झमाझम बारिश हो जिससे हमारे यहाँ पानी आ जाए दोस्तों। अब मंचूरियन खाने के बाद और जो नूडल है उसको लेने के बाद हम लोग एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करे हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पिज़्ज़ा बनता कैसे है। उनसे परमिशन लेके मैंने उनका वीडियो जो है शूट करा था कि मैं बना लूँ और मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊँगी, वो भी रेडी हो गए थे, तो इस तरीके से पिज़्ज़ा जो है रेडी हो रहा है। आपने पिज़्ज़ा बॉय से तो लिया होगा, पर बनते इस तरीके से आप देख रहे होंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो पिज़्ज़ा बन रहा है और साथ ही साथ मैं उनसे बातें भी करती जा रही हूँ, मैं चैनल चलाती हूँ, ऐसा है वैसा है सब कुछ बताते जा रहे थे, और वो भी बहुत मज़े से शूट करवा रहे थे और खुश हो रहे थे। तो ये सारी सॉसेस वगैरह और ओरिगेनो चिली फ्लेक्स सारी चीज़ें डाल दी है, अब इसको बेक होना रह गया है। सामने अवन में हमारा जो वेजिटेबल पिज़्ज़ा था उसको रख दिया गया है, और थोड़ी देर के बाद 15 से 20 मिनट के बाद जो है उन्होंने पिज़्ज़ा निकाल दिया है, अब इसको पीसेस करेंगे और हम लोगों को गरम गरम पेस करेंगे जिससे हम लोग
बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ेदार था। ये आप देख रहे होंगे पिज़्ज़ा एकदम रेडी है। इसके बाद हम लोग जो है अपने घर आ जाएंगे। आप देख रहे होंगे बारिश अभी भी हो ही रही है। हम कम बारिश में आए थे लेकिन तेज़ बारिश में घर पहुँचे, बारिश में भीग गए थे, पर कोई नहीं, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है। अब उनका मन था और आना भी ज़रूरी था, तो भीगते भागते गए थे और भीगते भागते ही वापस भी आ रहे हैं दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया था आपको, दोपहर में, शाम के समय, सॉरी, मैंने खीर हाँ बना ली थी, तो अब हम लोग खीर का आनंद ले रहे हैं। इस तरीके से मैं मेरे हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। हालांकि केक कटिंग वगैरह तो कुछ भी नहीं करी दोस्तों, वो खुद ही भी मना कर रहे थे कि क्या केक की क्या ज़रूरत है, रहने देते हैं। लास्ट टाइम तो हम लोगों ने उन्हें सरप्राइज़ दिया था, लेकिन इस बार वो मना कर रहे थे, रहने देते हैं, अच्छी टेस्टी खीर बना लेते हैं और बाहर चलते हैं खाने पीने के लिए। तो मैंने कहा जैसा बर्थडे बॉय बोलेंगे वैसा ही होगा। तो बस खीर हो रही है, खीर चल रही है, खाना पीना हो रहा है, लक्ष्मी खेल रहे हैं खिलौने से, वो भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनकी भी खीर रखी हुई है। बहुत टेस्टी खीर बनी थी दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ दोस्तों उन सभी व्यूवर्स को धन्यवाद जिन्होंने प्रीवियस वीडियो को देखकर मेरे हस्बैंड को बर्थडे विश करा था। मेरे हस्बैंड की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी छोटी बहनों के लिए, बड़ी बहनों के लिए, जिन जिन ने भाई भाई संबोधित करके लिखा था उसमें, तो उन सभी बहनों को मेरे हस्बैंड की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। ईश्वर करे ऐसा भाई बहन का रिश्ता जो है हमेशा बना ही रहे। ये नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप है दोस्तों। लक्ष्य को एक बहुत ही प्यारा सा एरोप्लेन उनकी चाची ने गिफ्ट किया है, जो कि हमारे देश का नहीं है, विदेश का है, यानी कि नेपाल का है। वहाँ से लक्ष्य के लिए लेके आई थी। अब हमने उसमें सेल डाल दिए हैं, तो जो एरोप्लेन है वो प्रॉपर चलेगा और उसकी लाइटें भी जगमग जलेंगी। बहुत ही अच्छा शानदार गिफ्ट दिया है लक्ष्य को। लक्ष्य बहुत ही खुश हो गए थे। और आप देखिएगा कि लक्ष्य का जो एरोप्लेन है वो कैसे चलेगा। और उनकी चाची को लक्ष्य की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया है, बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है। साथ ही साथ दोस्तों मुझे भी याद है कि मैंने आपसे वादा किया था कि मुझे क्या क्या गिफ्ट मिले हैं मैं दिखाऊंगी आपको, तो जल्द ही मैं दिखाऊंगी दोस्तों। टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी कि मैं कैसे वीडियो शूट करूं, क्या करूं। इन दिनों को ज़्यादा ही बिजी रहने लगी हूं। स्कूल जो है हमारा 5 बजे का हो गया है। पहले तो हम 2:30 से 3 बजे तक आ जाते थे, लेकिन अब समय चेंज हो गया है और काम कुछ ज़्यादा हो गया है। लेकिन मैं वीडियो तो आपके साथ शेयर करूंगी, भले ही जो मेरा 10 से 10:30 का समय था वो चेंज हो जाए, बदल जाए, लेकिन वीडियो बराबर आपके साथ जाएंगे दोस्तों। आप मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए जुड़े हैं वो प्लीज सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। अपने अपने स्नेह की जो छत्र छाया है वो बराबर मेरे ऊपर पड़ती रहने दें दोस्त। गाइज मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मेरा बेटा जो है लक्ष्य थोड़ा इंसिस्ट कर रहा है आप सभी से कुछ बोलने के लिए, तो प्लीज दोस्तों उसकी बात भी सुन लीजिए। गाइज जो आपको नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको प्लीज़ दबा दीजिए। मेरी मम्मी को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, और वो लाइक का बटन दिख रहा है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि 2K लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू, बाय 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 दोस्तों।